ये क्या कर रहे हैं अपन फरदीन फहीम भैया? बस ये मास्किंग में लगे, अभी तो फिलहाल ग्राफिक्स चल रहा है यहाँ, तो इसको इस सेंटर पे लगा रहे हैं। मतलब किस तरह के ग्राफिक्स डालने वाले हैं इस पे? देखो अभी आप इंशाल्लाह बनके दिखाते हैं, अभी आपको पहले थोड़ा सा होमवर्क कर ले अपन। ठीक है, उसके बाद फिर आपको इत्मीनान से समझाएंगे। तो इत्मीनान से हम समझेंगे कि इस पे किस तरह के ग्राफिक्स बनने वाले हैं। बस तैयारी पूरी चल रही है और यही फाइनल कलर है। कल नाइट में आपने देखा था जो कलर है वो कर दिया था हमने, सिल्वर कलर था और व्हाइट सरफेसर था, इसलिए थोड़ा कलर आपको नाइट में क्लियर नहीं दिखा होगा, लेकिन अभी आप मेरे पीछे देख सकते हो आप सिल्वर कलर बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो रहा है। ये जो आप टेप वगैरह देख रहे हो ये मास्किंग करी है गाड़ी पे, ग्राफिक्स वगैरह डिजाइन कर रहे हैं और ग्राफिक डिजाइन करने के लिए फहीम भैया अपने पूरे जोश में मतलब भिड़े हुए हैं अच्छे से काम पे सभी लोग। इधर भी आप देख सकते हो मास्किंग कर दी है। मैं आपको फ्रंट से भी एक लुक दिखाता हूँ, इधर से भी मास्किंग कर दी है गाड़ी पे, चेरी रेड कलर करेंगे इसमें और क्लियर कोट करने से पहले चेरी रेड कलर इस पे होगा। ये फ्रंट में भी मास्किंग की है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रहे हैं गाड़ी को। और जो सिल्वर कलर है अभी तक येलो रेड और इस टाइप के दो तीन कलर में रेप्लिका बनी है लैम्बोर्गिनी की, लेकिन इस बार सिल्वर कलर में और वो भी फोर सीटर कन्वर्टिबल, मतलब चारों सीट्स होंगी गाड़ी में, चार लोग भी बैठ पाएंगे और पूरी कन्वर्टिबल रूफ होगी इसकी, ऑटोमेटिकली ओपन होगी क्लोज होगी। और ये देख सकते हो आप काफ़ी सारी मेहनत हम लोग कर रहे हैं इस गाड़ी को कंप्लीट करने के लिए। अंदर सीट्स लगी हुई है जिसकी फिटिंग और मार्किंग कर रहे हैं कि कितने साइज में जो सीट्स हैं वो आएगी इसमें। सीट्स वगैरह भी बन रही हैं, ये ओरिजिनल सिविक की सीट है और इसी सीट को कस्टमाइज कर रहे हैं क्योंकि जो फिटिंग है वो जो होंडा सिविक में सीट्स की फिटिंग थी उसी से मैच होनी चाहिए। अच्छी सिटिंग पोजीशन गाड़ी चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छी कमांड होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इन्हीं सीट्स को कस्टम कर रहे हैं और इंटीरियर भी कस्टम किया जाएगा।
सर ने पूरे सिलेक्ट करे थे, ये था पहले, ये फिर ये फिर ये, फाइनल अपन ने इसको करा था उसके अंदर। अभी साइड से कुछ ऐसा लोग आए, ये साइड से पूरा आएगा इस टाइप से। तो गाइस ये जो साइड्स की मार्किंग करके रखी है, साइड में जो मास्किंग करके रखी है, ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हो, ये पूरा जो अभी आपको फहीम भैया ने इमेज दिखाई है, उस तरह से कलर होने वाला है। वो डिजाइन भी अपन ने ही बनाया वहाँ पे, पहले होमवर्क करा उसके बाद फिर यहाँ पे ले गया। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए क्या होमवर्क किया है? अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट रोड पे आने दो, तेल का मचा देंगे फिर से। अपना काम ही यही है। तो गाइज एज पर कस्टमर डिमांड हमने जो पार्ट्स हैं इनको ब्लैक कर दिया है। कस्टमर को ब्लैक पार्ट्स चाहिए थे, इंटीरियर पूरा ब्लैक चाहिए था, तो हमने इनको सबको ब्लैक कर दिया है, इंक्लूडिंग डैशबोर्ड। डैशबोर्ड भी ब्लैक हो चुका है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे टच स्क्रीन प्लेयर आ जाएगा 7 इंच एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ। अभी बस डैशबोर्ड में थोड़ा सा टचअप देने के बाद फिटिंग का काम करेंगे, ज़्यादा चेंजेस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल डैशबोर्ड की जो फिटिंग है, फिट एंड फिनिश है, वो बने हुए डैशबोर्ड की नहीं आ सकती, इसलिए हम ओरिजिनल डैशबोर्ड ही यूज़ करने वाले हैं। हाँ, इसमें कस्टमाइजेशन होगा, थोड़ा सा इंटीरियर में होगा। व्हील्स लग चुके हैं हमारे, साइड ग्लास लग चुके हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल साइड ग्लासेस हैं, जो कि जरूरी था होना, वरना लैम्बोर्गिनी से उतर रहे हैं और अंदर के साइड ग्लास डंडी से एडजस्ट कर रहे हैं, मज़ा नहीं आता। ग्लास की फिटिंग देख सकते हो कितनी प्रॉपरली हुई है, सारे कस्टम ग्लासेस हैं, ग्लासेस भी बनवा के लगवाए हैं क्योंकि ग्लासेस मिलना इम्पॉसिबल था, तो ये सारे कस्टम ग्लासेस हैं। पीछे का भी मैं आपको दिखाता हूँ, टेल लाइट लगा दी है पीछे से, काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है इस टेल लाइट का। और ये वाला जो क्वार्टर ग्लास है ये भी लग चुका है, इतने काम हो चुके हैं इस गाड़ी में। ये हमारे मनीष सर हैं, इनको आपने पल्सर वाली वीडियो में भी देखा होगा, अगर आपने पल्सर की वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें।
मनीष सर क्या कर रहे हैं, इसमें एक सिस्टम बना रहे हैं, मतलब जो हमारी कन्वर्टिबल रूफ़ है, जो पीछे का पहले डक ओपन होता है फिर रूफ़ अंदर आती है और पीछे वाला डक जो है वो बंद हो जाता है, तो इसके अंदर लगा है पूरा वार्म गियर वाला मैकेनिज़्म, और वार्म गियर मोटर को ख़राब होने से बचाने के लिए एक कटआउट का सिस्टम बना रहे हैं, ताकि जो स्विचेस है अगर कोई उन स्विचेस को दबा के भी रखता है तो भी जो पूरा रूफ़ अंदर आने के बाद डक क्लोज होने तक का सिस्टम है, बस वो उसी पोजीशन पर आकर जो है वार्म गियर को पावर देना बंद कर दे, मतलब बैटरी जो है वार्म गियर को पावर ना दे, ताकि हमारे स्विचेस और जो रूफ़ का सेटअप है वो लाइफ लॉन्ग चलता रहे, जल्दी ख़राब ना हो। इसके लिए पूरा सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉनिक वाला वो मनीष सर बना रहे हैं। इधर फिरोज भैया सीट लेके आ रहे हैं, गाड़ी की सीट्स आ चुकी है, मैं आपको एक ओवरलुक देता हूँ सीट का। ये आप देख सकते हो पीछे की सीट है और ये आगे की सीट है, मतलब अभी उल्टी रख के लाए हैं गाड़ी के अंदर, तो आपको सब कुछ उल्टा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन हाँ ये जो सीट से काफी इम्प्रेसिव लग रही है, और लैम्बोर्गिनी का इसमें हमने जो स्विचिंग होती है एम्ब्रॉयडरी वो भी करवाई है, काफी जल्दी जल्दी काम कम्प्लीट हो रहे हैं गाड़ी के। इसके नीचे हैं सारे स्विचेस, दो पावर विंडो के स्विचेस हैं, ये हमारे जो पावर विंडो होते हैं, सॉरी जो हमारे ORVM होते हैं, ORVM को एडजस्ट करने के लिए स्विचेस हैं, ORVM की डायरेक्शन चेंज करने के लिए और इसको होल्ड वगैरह करने के लिए। दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ग्लासेस, अंदर का ग्लासेस इधर करके एडजस्ट करें खोल के, हाँ अभी इसको एडजस्ट करके बताओ, तो ये प्रॉपर वर्क कर रहे हैं, हमने जो इसका ओरिजिनल सिस्टम था उसी को फिट किया और टेस्ट भी कर लिया, ठीक है। गाड़ियों की फिटिंग और सारे पार्ट्स की असेंबलिंग बहुत देख ली, अब चल करते हैं फाइनल वीडियो जहाँ पे हम आपको बताएंगे सिनेमेटिक शॉट्स और जिसमें मैं दूंगा गाड़ी के आपको प्रॉपर डिटेल्स कि इसमें क्या क्या काम हुए हैं, कितने काम हुए हैं। तो इंतजार खत्म होता है और इस गाड़ी को जो हमने नाम दिया है वो नाम भी आप सुन लीजिए, इस गाड़ी को हमने नाम दिया है द सिल्वर शार्क। आपके हिसाब से क्या नाम इस गाड़ी का और हो सकता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, बाकी जो मेहनत है वो दिख रही है आप लोगों के सामने, तो फटाफट से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं बिना कुछ देर।
आएगी नहीं कर थोड़ी है। आप ही की गाड़ी, अभी जब चाहो बैठो आप। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में गाइज। और आज ये जो गाड़ी है हमारी, ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। जो भी वर्किंग प्रोसेस है वो आपने अभी वीडियो में पहले देख ली। अभी मैं आपको आगे की डिटेल्स दे देता हूँ कि इस गाड़ी में हमने क्या क्या काम जो है वो किए हैं। मेरे चश्मे को देख के माइंड मत करना, अभी धूप बहुत ज़्यादा है इसलिए कुछ मिला नहीं, तो ये पहन लिया, ठीक है। फ्रंट से आप शुरुआत करेंगे तो फ्रंट से आप देखेंगे इसमें हमने प्रोजेक्टर हेडलाइट इंस्टॉल की है विद DRL, और ये पूरी हेडलाइट जो है कस्टम है। इस तरह की हेडलाइट्स ना कोई बनाता है ना कहीं मिलती है। जस्ट हम नीचे आते हैं तो देखेंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स का प्लेसमेंट है और यहाँ पे फॉग लाइट का प्लेसमेंट है। ये पूरा LED सेटअप है, मतलब इसमें LED का यूज़ किया गया है। फ्रंट का पूरा बम्पर जो आप देखोगे तो एग्जैक्टली लैम्बोर्गिनी का जो शेप है वो आ रहा है। यहाँ पे ये जो स्किड प्लेट है, ये स्किड प्लेट नहीं है, ये पार्ट ऑफ बॉडी है। साथ में लैम्बोर्गिनी का ये जो 3D लोगो है ये भी बनवा के लगाया है, ठीक है। बीच के ग्राफिक्स आप देख सकते हो, काफ़ी अट्रैक्टिव लुक दे रहे हैं गाड़ी को, सिल्वर के साथ रेड का जो कॉम्बिनेशन है वो। थोड़ा कुछ बारीकी बताता हूँ मैं आपको, ये सारे ग्राफिक्स मतलब कोई स्टिकर नहीं है, पूरा डिज़ाइन किया गया है, मतलब कलर कॉम्बिनेशन ऐसा मैच करके और ये जो ग्राफिक्स है ये बनाए हैं इस एसेंट को अच्छा लुक देने के लिए, ठीक है। देन हम आ जाते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल में। गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आप देखोगे तो यहाँ से साइड प्रोफाइल स्टार्ट होती है, जहाँ पे आपको रेड के साथ सिल्वर का जो कॉम्बिनेशन है वो मिलेगा। साथ में 19 इंच के अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हैं इसमें। व्हील्स जो ओरिजिनल व्हील आते हैं वो गाड़ी से थोड़े नज़दीक में होते हैं, तो बड़े व्हील डालने के लिए क्या करते हैं, जनरली व्हील स्पेसर का यूज़ करते हैं। तो इसमें व्हील स्पेसर यूज़ किया हमने, जिसके कारण ये टायर जो है वो बॉडी से बाहर आया है और यहाँ पर एक अच्छा सा लुक इसको दे रहा है। अंदर की तरफ भी पूरा मेटल शीट का यूज़ किया है, जिससे जो है मड वगैरह जो टायर से उड़ती है वो अंदर ना जाए। वाइपर्स वगैरह लगा दिए हैं। ये जो कवर है मेटल का बना के लगाया है पूरा, मतलब पहले फाइबर का ये जो बोनट है ये डिज़ाइन किया, उसके बाद ये वाला जो पैनल है ये डिज़ाइन किया है। क्वार्टर ग्लास आप देखोगे ये भी सारे जो है कस्टम है, मतलब इस टाइप का कोई पार्ट मार्केट में नहीं मिलता। सारी चीज़ें जहाँ पर जो चीज़ बनती है वहाँ से हम बनवा के लाते हैं और इसको फिट करते हैं। साइड ग्लासेस जो है होंडा सिविक के ओरिजिनल है, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल साइड ग्लासेस है। थोड़ा और आप आओगे, नीचे भी ग्राफिक का डिज़ाइन किया गया है और ये स्टिकर नहीं है, ये सारा कलर का यूज़ है। जो डोर्स हैं सीजर डोर्स है, इसमें अंदर हाइड्रोलिक्स लगे हुए हैं, मैं जैसे इसको पुश करता हूँ तो ये ऊपर की तरफ खुलते हैं और एक अच्छा लुक गाड़ी को देते हैं। जैसे डोर खोलते हैं तो यहाँ पे थोड़ा नज़दीक आ जाओ, यहाँ पे भी लैम्बोर्गिनी का जो है स्टिकर नहीं है, ये भी कलर से बनाया हुआ है पूरा। ABC पिलर को ब्लैक कलर में टेप आउट किया है, ये भी कलर है। और थोड़ा पीछे आते हैं हम, सेम 19 इंचेस के अलॉय व्हील, यहाँ पे बैजिंग लगाई है हमने एवेंटाडोर की, साथ में LP 704। जो आगे आपने देखा कार्बन फाइबर की फिनिशिंग वो यहाँ पे भी कंटिन्यू हो रही है। और पीछे आते हैं तो लैम्बोर्गिनी का पूरा बैजिंग यहाँ पे हमने लगाया है, कस्टम एसेंट्स बनाए हैं, कस्टम टेल लाइट बनाई है। ये जो स्किड प्लेट है ये भी पार्ट ऑफ बॉडी है। ड्यूअल वर्किंग एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट साउंड भी मैं आपको सुना देता हूँ, थोड़ा सा रेव कर दो बस, ठीक है ठीक है, कर लो बंद। तो इस तरह का कुछ एग्जॉस्ट साउंड है जो अभी आपने सुना। रियर कैमरा भी इंस्टॉल किया है, क्योंकि रियर का जो क्वार्टर ग्लास है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए कैमरा इंस्टॉल किया ताकि अपने को अंदर जो है ड्राइवर का रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम जो एक्टिवेट है वो काम करता रहे, हमें पीछे का सब कुछ दिखता रहे। अगेन ये जो स्पॉइलर है, बनाने का सेम प्रोसेस था, पहले मेटल पे डिज़ाइन किया, मेटल से फाइबर पे इसको मोल्ड किया। डे टाइम है, शायद आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन नाइट का पूरा शॉट मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा तो आपको जो है क्लियर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसका रियर लुक जो है वो आ रहा है, ठीक है। ये पीछे मतलब पूरा जो डक है पीछे वाला वो तो ओपन होता ही है, रूफ अंदर जाती है, लेकिन एक पीछे डिक्की भी बनाई है छोटी सी, इसके अंदर भी फैब्रिक का यूज़ किया है। और ये हमारी कन्वर्टिबल रूफ है जो क्लोज होकर इसके अंदर जो है स्टेप बाय हो जाती है। इसी के नीचे बूट स्पेस है, कोई लगेज ले जाना हो या कुछ करना हो तो इसमें सामान हम अच्छे खासे बूट स्पेस है, मतलब अराउंड 400 लीटर तो होगा, इतना स्पेस इसमें है, सामान हम अच्छे से रख सकते हैं, ठीक है। वो तो अब उसके नीचे रखा ही है, चलो इधर आ जाओ। अब फिरोज भाई आपके उतरने की बारी है, ताकि हम लोग जो है अंदर इंटीरियर का वीडियो ले सकें। थोड़ा नज़दीक आ जाओ, ये मैं बैठ गया हूँ इंटीरियर में, मैं आपको इंटीरियर में बताता हूँ। डैशबोर्ड को ओरिजिनल रखा है, लेकिन इसमें जो है जो डैशबोर्ड लाइटिंग होती है वो लगाई है,
ये जो डोर पैनल है, डोर पैनल दिखा दो। ये पूरा जो डोर पैनल है ये फाइबर से बनाया है, पहले इसको भी सेम मेटल से बनाने के बाद फाइबर पे मोल्ड किया और इसको एग्जैक्टली जो डोर है उस डोर की फिटिंग के हिसाब से बनाया है। कहीं कहीं पे फैब्रिक का यूज़ अगेन किया है, सिल्वर का कॉम्बिनेशन कलर के हिसाब से। अंदर टच स्क्रीन म्यूजिक प्लेयर इंस्टॉल किया है। स्टेयरिंग जो है वो ओरिजिनल है, गियर नॉब ओरिजिनल है, सेंटर कंसोल जो है वो ओरिजिनल होंडा सिविक का ही है। रूफ में हमने फैब्रिक लगाया है, एसी वर्किंग है इसमें, साथ में जो भी इसका मैकेनिकल सिस्टम है वो सारा वर्किंग है। ये जो सीट्स हैं ओरिजिनल सिविक की सीट थी, होंडा सिविक की ओरिजिनल सीट्स को ही कस्टमाइज किया है। 10 इंच टच स्क्रीन विथ रियर कैमरा। सबसे इंटरेस्टिंग इसका 4 सीटर होना, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसी गाड़ी कस्टमाइज नहीं हुई है जो 4 सीटर में हो। सारी गाड़ियां जो है 2 सीटर में होती है, या जनरली अगर 4 सीटर होती भी है तो वो कन्वर्टिबल नहीं होती है। तो काफ़ी मेहनत लगी है 4 सीटर कन्वर्टिबल हमको बनाने में, और अंदर आराम से 2 लोग बैठ सकते हैं। कैसे बैठेंगे मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ, थोड़ा दूर से सब लोग कैसे बैठेंगे इसमें। तो इस तरह से लोग बैठ रहे हैं, पीछे भी 3 लोग आराम से बैठे हैं, और आगे ये सीट्स वगैरह थोड़ी एडजस्ट करके 4 लोगों को आराम से हम बिठा सकते हैं। अंदर भी पूरा फैब्रिक का यूज़ किया है, डोर ट्रिम्स पे, अंदर के पैनल्स पे। चाबी भी हमने कस्टम करवा ली है, मतलब सब कुछ जब कस्टम हो रहा है तो फिर चाबी क्यों छोड़ रहे हैं, तो चाबी भी करवा ली है। ये फ्लिप की है, कुछ आवाज़ आई आपको टक करके? ये सेंटर लॉक की आवाज़ है। पब्लिक की काफी सारी भीड़ है क्योंकि सभी को अच्छी लग रही है गाड़ी। We'll be right back.
फाइनली आप लोग मेरे पीछे देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल रेडी है, और अभी यहाँ पे हमारे साथ है फहीम भैया, फिरोज भैया, साथ में टीम के एक और जरूरी सदस्य हमारे जग्गू भैया। टीम कंप्लीट नहीं हुई है, काफ़ी सारे दोस्त जो हैं बचे हैं, लेकिन अभी यहाँ पे जो लोग अवेलेबल है मेरे कुछ सवाल उन लोगों से। पहले मैं शुरुआत करता हूँ फहीम भैया से, शुरुआत कहाँ से करते हो आप इन चीज़ की, इन सब चीज़ों की? एक्चुअली में क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट है, पहले तो सबसे पहले प्रोजेक्ट डिसाइड करना अपने को कि यार ये मॉडल है, इसको अपन को बनाना है प्लस गाड़ी लेना है, लैम्बोर्गिनी बनाना अपने को। लैम्बोर्गिनी का जो मैनेजमेंट है, बॉडी शेप है, सिविक है, सिविक का बॉडी शेप है, ऐसे कोई से भी मॉडल है उनको मिलाना, उनके डायमेंशंस को समझना, उसको अपने को। अब आज तो क्या कंप्यूटराइज लेवल पे अपन बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कंप्यूटर भी नहीं कर पाएगा, उसको अपने को फिजिकली ऑन द टेबल समझते हुए करना पड़ता है, क्योंकि कंप्यूटर भी क्या है, कभी काम करता है तो वो पूरे डायमेंशन को एक साथ छोटा या बड़ा करता है, बट अपने को क्या है कि थोड़ा सा उसको समझना पड़ता है, कहाँ से छोटा करना है, कहाँ से बड़ा करना है, उसके बाद फिर उसको बनाना, उसके मॉडल्स बनाना, उसके बाद मैनेजमेंट उसको समझना, और फिर फिरोज़ भाई हैं, फिर टेबल पे आने के बाद फिर सारा काम हमारे पहलवान है। अच्छा फिरोज भैया, आपसे सवाल ये है कि इतने साल से जो आप ये काम कर रहे हो, इसके अलावा और सर काफ़ी सारी फील्ड है मैकेनिकल लाइन से जुड़ी जिसमें और ज़्यादा पैसा आप कमा सकते हो, फिर इसी में काम क्यों कर रहे हो? ये अपना शौक है, तो शौक के अलावा एक अलग करने का कुछ मन होता है कि भाई इसको कुछ अलग तरीके से अपन करें। हाँ, पब्लिक ने हर बार आपको अलग अलग गाड़ियों के साथ देखा है, कभी आप बंटन बना रहे हैं, कभी टोयोटा सीरा, कभी बीटल बनाई है, ये सब चीज़ें ये ऊपर वाले की देन है, ये मन से कोई नहीं करता, ये सब ऊपर वाला सबको चुनता है अपने लिए कि भाई कौन क्या काम कर सकता है, सही कौन किसके लिए है। मेटल से इतनी कलाकारी कैसे कर लेते हो? हम बस बाड़िया काम करते थे काफ़ी समय से, 35-40 साल से, इसलिए हमें कोई भी मेटल का काम करने के लिए हमारे लिए आसान हो जाता है। मतलब 40 साल का गहन अनुभव है, हम कुछ भी करने के लिए अच्छी अच्छी कोशिश करते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ बनाने के लिए करते रहेंगे कोशिश। इस क्लिप को यहाँ पे एंड करते हैं।